ज्यादा कुछ कहना नहीं है, सभी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है, परिस्थितियाँ आपके सामने हैं। ये उपचुनाव महत्व इसलिए रखता है कि ये लोकसभा के बाद पहला उपचुनाव है, ना तो कोई सरकार बनेगी और ना कोई बिगड़ेगी, मगर इस उपचुनाव का संदेश और महत्व बहुत दूर तक जाए। जो भ्रामक प्रचार लोकसभा में हुआ हमारे विरोधियों द्वारा और जनता को बरगलाया गया, मगर सब ताकतें लगने के बाद भी देश विदेश की मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, और आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भारत की कमान संभाले, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम तो विश्व भर में घूम रहे हैं और कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है आज के ज़माने में कि तीसरी बार कोई सरकार आई हो। दो बार तो मैं मान सकता हूँ, मगर इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़ा हम लोगों का चुनावी प्रक्रिया, और तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि। ये चुनाव प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल, उनके समर्थन में आप सब लोगों के योगदान और सहयोग की विनती करने आए, क्योंकि जो संदेश आप देंगे वो बाकी समाज में दूर दूर तक जाए। और ये समय है मोदी जी और योगी जी को और सशक्त करने का, जो उनके कार हुए हैं 10 साल में मोदी जी के और 7 साल में योगी जी के, ये कोई मामूली चीज नहीं। प्रयास हो रहा है रोकने का, मगर ये जो चुनाव है इनके परिणाम आएंगे तो और बल मिलेगा, दिशा और तेज होगी। जो परिवर्तन प्रदेश देश में दिख रहा है इसको और धार मिलेगी, और जो विकास की परियोजनाएं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई उनको और तेजी से पूरा किया जाए। तो परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया, नाश्ता वास्ता नहीं खिलवाया हो रहा है, कब चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही यार। मोदी जी योगी जी रात दिन ने किए हुए परिवर्तन लाने, परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जोर से सभी बोल दे, परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? इसकी पूर्ति करनी है कि नहीं करनी है? तो आराम से मत बैठ जाना 20 तारीख को कि सब जीती जाएंगे। ये बड़े बहुत प्रयास, बहुत परिश्रम और बहुत रगड़ लगाने के बाद परिस्थितियां आती हैं कि देश की जनता को जो वर्षों से परिवर्तन की आस लगाए थे वो दिख रहा है होते हुए उनकी आंखों के सामने, मगर ये ढिलाई कर दी और अति आत्मविश्वास में बैठ गए तो परिवर्तन रुक जाएगा। इसको और आगे इसकी पूर्ति करनी, ऐसे ऐसे काम जो हजारों साल से नहीं हो पाए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो मोदी जी ने हमारी आंखों के सामने करके दे दिया, किया ना। काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, गए आप लोग? कहीं गए? काशी कौन कौन गया? देखा? तो काम बहुत है, और ये भी नहीं कि सब काम हो गए, जो काम नहीं हुए उनको पूरा किया जाए, विकास की जो परियोजनाएं हैं जो लंबित हैं उनको आगे और धार दी जाएगी, विकास के व्यक्तिगत और सभी सार्वजनिक काम वो कराए जाए। मगर आप सब लोग आपसी मतभेद भुला लें, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, और ये समय है देश के लिए अपना योगदान देने के लिए, ये समय है मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 20 तारीख को कमल का फूल नहीं होगा मगर हैंडपंप होगा। तो
तो जनता को बताना पड़ेगा कि हैंडपंप चलाना है क्या, पूल नहीं हैंडपंप है। आधे लोगों को पता नहीं होगा, कमल ढूंढेंगे। पता है सबको, पता है लोकसभा में। चलो तो ठीक है, कितने वोट हैं आप यहाँ पे? 3.5 लाख। दो ही तो पूछ रहे हैं, अपना बताओ यार। तुम तो सवाल क्या है इस पोलिंग पे? इस पोलिंग पे 24,000। ये बूथ किसका होता है पता ही नहीं होगा। वोट कहाँ पड़ते हैं? वोट तो यहाँ गांव में कलमपुरम प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे पड़ता है। सर जी बताओ किससे पूछे? विद्यालय नंबर 1 में। वोट भी बता दूंगा यहाँ की। आप तो फिर वहीं दिल्ली बता देते हैं, यहाँ क्या बुलाया सर? ये तो किसी संगी भाई से पूछिए, उनमें मिलती है जो मैं। नहीं, आप वोट डालते हो गए आप लोग, आप यहीं के हो ना? इस गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है ये, यहाँ को जो रहते हैं वो वोट कहाँ डालते हैं? प्राथमिक विद्यालय। कितने वोट है उसमें? आपके बूथ पर कितने वोट? अपने बूथ पर कितने? आपके बूथ पर कितने? 1600 कौन बता सकता है मुझे? बूथ नंबर 300 पे 1100 वोट है। ये 1100 जी कितने वोट पड़े थे भाजपा को? 900 टोटल, 900 कुछ पड़े थे जी। टोटल 900 पड़े थे। अपने को कितने मिले जी? मुझे 600 के आसपास थे सर। 600 जी तो करीब पड़ गया है, 70% वोट पड़े हैं। पड़े कि हवा बता दे रहे हैं? 100% है जी, ऐसा नहीं कि अब क्या होगा, अब ये और बढ़ जाएगा। बढ़ाना 10% बढ़वा दो, खुद ही वोट बढ़ जाएगा। चलिए तो इस निमंत्रण के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।